गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच इन जीके क्लास फोर्थ चैप्टर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीज। महत्वपूर्ण पेड़ों की बात यहाँ हो रही है। ट्रीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग। अपार्ट फ्रॉम क्लीन एयर दे गिव अस फ्रूट्स एंड अदर प्रोडक्ट लाइक कॉटन, रबर, वुड ईटीसी। दे आल्सो होल्ड द सोयल एंड प्रिवेंट सोयल इरोशन। ट्रीज तो हैं हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही सही हैं, आवश्यक हैं, जो हमें क्लीन एयर, जो हमें क्या देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। फ्रूट्स अदर प्रोडक्ट्स, फल और अदर प्रोडक्ट्स भी हमें इनसे प्राप्त होता है, जैसे कॉटन, रबर, वुड ईटीसी। सम ट्रीज दैट आर फाउंड इन अवर कंट्री आर गिवन बिलो। रीड दियर डिस्क्रिप्शन एंड नेम देम। स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ ट्रीज दिए गए हैं, उनको करेक्ट आंसर मतलब क्या करना मिलाना है, 2 पॉइंट। फाउंड कंट्री गिवन बिलो, रीड दियर डिस्क्रिप्शन एंड नेम देम, उनके नेम बताने हैं। सैंडलवुड, सैंडलवुड क्या है, चंदन की लकड़ी होती है, ये लकड़ी का पेड़ है। सुंदरी, बनियान, नीम, ब्लो एंड ओम, ये आपके क्या हैं, ट्रीज हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीज ह्यूमन बीइंग। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज यूज्ड इन मेकिंग इंक्रेज स्टिक एंड परफ्यूम। वुड आप इन लकड़ियों का यूज बनाने में क्या, जो ये पेड़ हैं इनकी लकड़ियों का यूज क्या होता है, स्टिक्स एंड परफ्यूम, स्टिक और परफ्यूम बनाने में किया जाता है। सुंदरवन आर नेम आफ्टर दिस ट्री। सुंदरवन भी इन पेड़ों का नाम है। दिस ट्री हैज स्ट्रक्चर दैट ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज टू द ग्राउंड एंड देन ग्रो इन टू न्यू रूट एंड ट्रंक। इन पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, ग्रोज उगाते हैं फ्रॉम द ब्रांचेस, टहनियाँ निकलती हैं द ग्राउंड एंड देन ग्रो इन टू न्यू फ्रूट एंड ट्रंक, और नए पौधे का भी जन्म होता है, इसमें नए जड़ें निकलती हैं। ट्विंग्स ऑफ दिस ट्रीज आर यूज फॉर ब्रशिंग टीथ। इट्स बार्क, लीव्स एंड फ्रूट आर यूज इन प्रिपेरिंग इन लॉट ऑफ मेडिसिन। बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनसे कि हमें मेडिसिन भी प्राप्त होती, दवाई भी बनाते हैं, उसकी मेडिसिन बनाई जाती है। द वुड ऑफ ट्रीज इज यूज इन मेकिंग क्रिकेट बैट। और कुछ ऐसी लकड़ियां हैं पेड़ों की जिनसे हम क्या बनाते हैं, क्रिकेट बैट। इट इज ए लार्ज ट्री, द प्रोडक्ट नट्स कॉल्ड एकॉर्न्स ऑफन ईटन बाई एनिमल। और कुछ ऐसे जो होते लंबे पेड़ होते हैं वो जानवरों के खाने के लिए यूज किए जाते हैं। सैंडलवुड ऑयल इज यूज फॉर फ्लोइंग एलोकनिक बिहेविक्स। सैंडल का जो तेल होता है वो भी यूज किया जाता है। एंड इवन सम फूड आइटम शेफ एंड लेके डिटर्जेंट। उलो आर वन ऑफ द फॉरेस्ट ग्रोइंग ट्रीज आर स्पॉट इजली इन द फैक्ट दे ग्रो सो इजली दैट ऑफन दे ऑर्गेनाइज फ्रॉम ए ब्रोकन ब्रांच लाइंग इन सोयल। सेकेंड लेसन जीके में क्लास फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फूलों के पार्ट्स, देखिए फूल के क्या पार्ट्स होते हैं। फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट विल ग्रो इन फ्यूचर। फ्लावर जो है कलरफुल, प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है ऑफ ए फ्लावर टू रिप्रोड्यूस बाई प्रोड्यूसिंग सीड, बीज, फ्रॉम बीच न्यू प्लांट, नया पौधा बनता है, विल ग्रो इन फ्यूचर में।
अ फ्लावर हैज मेनी पार्ट, फ्लावर के बहुत से पार्ट होते हैं। बाई नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर अकॉर्डिंग टू द नंबर इन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर फ्लावर की पिक्चर दिखाई गई है, इसमें देखिए स्कोर 2 पॉइंट ऑफ ईच। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है। फर्स्ट देखिए क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, ये फ्लावर का अग्रभाग है। नंबर वन देखिए, ये नंबर वन है, ये क्या है फ्लावर का अग्रभाग होता है। स्टाइल, स्टाइल मीन्स बनावट। सेकंड नंबर देखिए स्टाइल, स्टाइल मीन फ्लावर की बनावट। ओवरी, ओवरी मीन्स बीज कोष। ओवरी मीन्स क्या होता है, थर्ड नंबर बीज कोष होता है, ये आपका थर्ड नंबर है, ये आपका क्या है बीज कोष कहलाता है। स्पेल, स्पेल मीन्स बाहेदल। फोर नंबर देखिए स्पेल, फोर नंबर स्पेल, ये आपका क्या है बाहेदल कहलाता है। ओविल, ये क्या है अंडकोष। फाइव नंबर देखिए, ये आपका क्या कहलाएगा अंडकोष कहलाता है, जो फ्लावर के पार्ट हैं ये आपको मैं आप बता रही हूँ। सिक्स नंबर देखिए पेडिसेल, पेडिसेल मीन्स सिक्स नंबर देखिए पेडिसिल, पेडिसिल मीन्स क्या होता है मंजरी, डंठल जो कही जाती है, ये आपकी डंठल है इसको बोलते हैं मंजरी। पेटल, पेटल मीन्स सेवन नंबर देखिए पंखुड़ी, ये आपकी पंखुड़ी है पेटल, पेटल मीन्स पंखुड़ी, ये पार्ट ऑफ फ्लावर्स। फिलेमेंट, फिलेमेंट मीन्स रेशा, फिलेमेंट। एट नंबर देखिए, ये आपका आया एट नंबर, ये एट नंबर क्या है, ये रेशे, ये जो निकले हुए हैं ये आपको दिख रहे हैं ये क्या है रेशे हैं। पोलन, पोलन ग्रेव माने पराग। नाइन नंबर देखिए आपका है ये नाइन नंबर, ये आपका क्या है पराग, जो यहाँ से रस निकलता है फूलों का, ये आपका पराग बोला जाता है पोलोग्रेन। ये तो आपका क्या देखा आपने अभी इसमें पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, आप इसको रीड करिएगा लर्न करिएगा। थैंक यू। थर्ड लेसन देखिए क्लास फोर्थ में, डे एंड नाइट, रात और दिन में निकलने वाले फूल कौन से होते हैं। डे एंड नाइट फ्लावर, रात और दिन के फूल को देखिए। मोस्ट ऑफ द फ्लावर ब्लूम इन डेड एज दे ग्रेव, दे गेट प्रॉपर एनर्जी फ्रॉम द सन, बट देयर आर सेवरल फ्लावर्स विच ब्लूम ओनली एट नाइट, दे आर कॉल्ड नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। मोस्ट ऑफ फ्लावर ब्लूम, बहुत से फूल यहाँ ऐसे दिखाएं जो दिन में खिलते हैं प्रॉपर हमें एनर्जी देने के लिए, फ्रॉम द सन से एनर्जी लेने के लिए, बट देयर आर सेवरल फ्लावर विच ब्लूम, और कुछ ऐसे फूल हैं जो रात में खिलते हैं, दे आर कॉल्ड नाइट ब्लूम फ्लावर, वो नाइट ब्लूम फ्लावर कहलाते हैं, जो दिन में निकलते हैं वो डे ब्लूम फ्लावर कहलाते हैं। सम फ्लावर्स आर गिवन बिलो, राइट दियर नेम एंड टेल वेदर, मौसम के हिसाब से दे आर डे ब्लूमिंग आर नाइट ब्लूमिंग, स्कोर 3 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब ये इतने फ्लावर आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो आपको इसमें हमको बताना है कि कौन सा फ्लावर डे में ब्लूमिंग करता है और कौन सा रात में। अब देखिए फर्स्ट नंबर देखिए, ये मून फ्लावर्स, ये आपका रात में ब्लूम करता है। ब्लूम कैसब्लेंस फ्लावर लिली, कैसब्लेंस फ्लावर लिली ये भी रात में ही निकलता है। बाउनेजी वेवल, ये दिन में निकलता है। ट्यूलिप, ट्यूलिप नलनी का पौधा है, ये फूल है, ये भी आपका दिन में ही ब्लूम करता है। फोर ओक्लाक, एक आपका फ्लावर है उसको कहते हैं फोर ओक्लाक, ये आपका नाइट में ही ब्लूम होता है। डहलिया, डहलिया दिन में निकलने वाला फूल है फ्लावर है। कैंडिड, कैंडिड आपका भी दिन में निकलने वाला। कॉर्नेशन, कॉर्नेशन मीन्स क्या होता है किशमिश, ये भी आपका डे में ही निकलने वाला फ्लावर है। डैफोडिल, डैफोडिल नरगिस का फ्लावर, ये कौन सा फ्लावर है नरगिस बोलते हैं इसको, ये हमारा रात में ही खिलता है। अंडरस्टैंड, आपने थर्ड लेसन पढ़ा, आप इसको लर्न करिएगा।
नेक्स्ट देखिए, फोर लेसन, लास्ट फोर लेसन देखिए, इंडोर एंड आउटडोर प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपने हम घर के अंदर भी लगाते हैं और हमें बाहर भी दिखाई देते हैं, बाहर भी लगाते हैं। पीपुल लव टू मेंशन गार्डन इन दियर हाउसेज एंड ऑफिस एज प्लांट्स हैव पॉजिटिविटी एंड दियर प्रेजेंस एसर्स एंड देयर एयर ऑफ परनेस। दाउ मोस्ट प्लांट्स आर ग्रो आउटडोर, देयर आर सेवरल प्लांट विच आर ग्रो इनडोर, दे आर कॉल्ड इनडोर प्लांट। कुछ ऐसे पौधे हम अपने घरों में, ऑफिसों में लगाते हैं जो इनडोर होते हैं, और जो कुछ ऐसे पौधे हैं जो हम अपने घर के बाहर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आउटडोर प्लांट कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए 6 प्लांट दिए हुए हैं, आप इनको बताइए, लिखना है इसमें, बताना है आपको ये कौन से इनडोर प्लांट्स हैं और कौन से आउटडोर। बर्ड ऑफ पैराडाइज, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज ये आपका एक फ्लावर है, ये इंडोर गेम है, इसको हम घर के अंदर लगा सकते हैं। बैल्सम, बैल्सम क्या है, ये आउटडोर गेम है जो घर के बाहर। कैसमस, कैसमस भी आउटडोर है, घर के बाहर ही आप लगा सकते हैं इसको, घर के अंदर नहीं लगाया जाएगा। अमरली, अमरीलीज ये आपका इंडोर फ्लावर है। कैनिटा, कैनिटा इंडोर। स्वीट विलियंस ये भी हमारा आउटडोर है। तो इसमें देखिए कुछ आउटडोर प्लांट्स एंड कुछ इंडोर प्लांट हैं। अंडरस्टैंड, थैंक यू।